हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड। अब आप ये सोचेंगे कि हम एकदम से ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियोस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की और इन सब की वैकेंसी आने वाली है, RRB की वैकेंसी निकल चुकी है एंड इसके अलावा PGI चंडीगढ़ और इन सब की वैकेंसी भी अभी आने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हम साथ चाह रहे थे कि रेलवे की वैकेंसी के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आपको जो MCQs हैं उनको करने में आसानी रहे, आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे लोगों के इंस्टा पर रिक्वेस्ट चाहिए कि मैम हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स भी चाहिए और पैथोलॉजी, बेसिकली इनकी पैथोलॉजी भी हमें चाहिए बिकॉज पैथोलॉजी हमें हर जगह नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे बट हमारे BRT और DRT यानी जो रेडिएशन के, जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी कम मात्रा में चाहिए होती है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट जितना हमें पढ़ना है उतना किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है, ऐसे मेरे पास में क्वेरीज आई है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो टुडेज टॉपिक इज ब्लड, ठीक है। ये फिजियोलॉजी का सबसे बेसिक टॉपिक है, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड इज डिफाइंड एज अ रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स। कि ब्लड जो है एक रेड कलर का फ्लूइड है, आप सबको पता है ये व्हाट इज ब्लड। ब्लड जो होता है एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में वेस्कुलर सिस्टम, ह्यूमंस और अदर वर्टिब्रेट्स में वेस्कुलर सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ब्लड क्या कैरी करता है? न्यूट्रिएंट्स, अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा और ऑक्सीजन को कैरी करेगा एंड ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव कर देता है, ठीक है। ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजन। तो मीजोडर्मल क्या होती है आपको पता है? तीन टाइप की जर्म लेयर्स होती है, ठीक है, थ्री टाइप की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये हमारे जेस्टेशनल पीरियड में, गर्भावस्था में शिशु के अंदर बनती है और इन तीनों लेयर से ही पूरी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है, इसलिए इनको जर्म लेयर कहा जाता है, ठीक है, इसी से पूरे बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है। तो जो ब्लड है उसका ओरिजिन कौन सा है? मीजोडर्म, ठीक है, इसे मीजोडर्मल कहा जाता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यूज के अंदर, आपने पता है टिश्यू चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन से का पार्ट है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड पार्ट है। हेंस इट इज कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है कि मतलब इसका ये पार्ट तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का है बट इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है, ब्लड की जो सेल्स होती है, हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, जो एक अपने मतलब डिवीजन डिवाइड नहीं कर पाती है, कोई डिवीजन की पावर नहीं होती है, कोई भी माइटोसिस या मियोसिस के अंदर नहीं जा पाती है ब्लड की सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो इसका मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या होता है हिंदी में? इसको कहते हैं आधारीय तत्व, यानी जो मैट्रिक्स होता है उसमें कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो डिवाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो इनका मैट्रिक्स होता है उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और ये दोनों ही चीजों को फुलफिल नहीं करता है ब्लड, तो इसलिए इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कलर, हमें पता है ब्लड इज रेड इन कलर, ठीक है। अब इसमें भी आता है कि आर्टेरियल ब्लड कैसा होता है, वीनस ब्लड कैसा होता है। आर्टेरियल ब्लड यानी जो आर्टरीज में से जाता है, हमारे जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें आपको पता है ना दो टाइप की ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरी होती है और वीन होती है, इसके अलावा कैपिलरीज भी होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम स्पेसिफिकली, अभी हम जो दो बड़ी ब्लड वेसल्स होती है आर्टरी और वेन, धमनी और शीरा के बारे में बात करेंगे। कि आपको पता है कि जो आर्टरियल ब्लड होता है, आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो इसका जो ब्लड होगा वो स्कारलेट रेड या फिर प्योर रेड होता है। इसके अलावा जो वेन जो होती है, वेन्स जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड यानी इनप्योर ब्लड को कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड होती है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो इसलिए दिखता है पर्पल रेड, ठीक है। यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहती हूं, मुझे ऐसी आर्टरी का नाम बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ऐसी वेन का नाम बताएं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप मुझे इन दोनों का नाम बताइए, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं अगले जो अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं बताऊंगी, ठीक है।
तो ये हो गया कलर रेड होता है, आर्टेरियल में स्कारलेट रेड एंड प्योर रेड होगा, लेकिन अगर वीनस है तो क्या होगा, पर्पल रेड होगा, ठीक है। इसके अलावा आता है वॉल्यूम, ब्लड कितने मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल एडल्ट इज 5 लीटर, ठीक है। ब्लड का जो वॉल्यूम है नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर है, न्यू बॉर्न बेबी नया नया हुआ है 450 मिलीलीटर है, ठीक है, और फीमेल्स में थोड़ा सा कम है 4.5 लीटर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनकी क्या मात्रा होती है। इसके अलावा हम एक सर्वे से पता चला है कि जो ब्लड वॉल्यूम जो होता है बॉडी वेट का 8% होता है, कि जितना भी बॉडी वेट है उसका 8% है जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है, क्वेश्चन उठता है सीधा। पीएच क्या होता है ब्लड का, थर्ड जो प्रॉपर्टी आएगी वो है पीएच। ब्लड जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन, ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है, एंड इट्स पीएच इज 7.4, ठीक है। जो ब्लड है उसको वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है क्योंकि इसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। 7 से आपको पता है 7 जो होता है न्यूट्रल माना जाता है, 7 पीएच अगर होता है वो न्यूट्रल माना जाता है, इससे कम होगा तो एसिडिक और इससे ज्यादा होगा तो एल्केलाइन। तो ये 7.4 है तो इसलिए ब्लड क्या है, स्लाइटली एल्केलाइन, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, श्यामता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ वो इसलिए भी करवा रही हूँ कि जैसे डीआरटी के और बीआरटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैम मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है इनके, तो इसीलिए मैं नोट्स वाइज में करवा रही हूँ। आप ऐसे का ऐसे एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं पॉइंट वाइज, तो ये नंबर गेनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बीच बीच में हिंदी वर्ड्स भी आपको बता रही हूँ ताकि डीआरटी के स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहेगा। ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन वाटर, जो वाटर होता है उससे 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है ब्लड, ठीक है, गाढ़ा होता है। इट इज मेनली ड्यू टू ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, और क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है जो कि ब्लड को क्या बना देते हैं, गाढ़ा बना देते हैं या फिर मोर विस्कस बना देते हैं, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज थी ब्लड की, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड कर क्या रहा है अब हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिटिव फंक्शन, न्यूट्रिटिव यानी पोषणीय कार्य। ब्लड कन्वेज एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ट्रेस मील्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू द टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, जो GIT हम जिसको कहते हैं, इसमें जितने भी आने वाले फूड मटेरियल्स हो गए, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारे टिश्यूज तक पहुंचाता है एब्जॉर्ब करके, ताकि उसको अच्छे से यूज कर सके और स्टोर कर सके, ठीक है। इसके अलावा ये तो ये न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा तो एक्सक्रीटरी फंक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द टिश्यूज ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रिमूव्ड बाय ब्लड एंड कैरीड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्किन, लीवर एक्सेट्रा फ्रॉम एक्सक्रीशन। कि जो हमारे टिश्यूज में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, ठीक है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि यूरिया निकल गया या फिर कोई भी अमोनिया निकल गया, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको ये कैरी करेगा हमारे कहाँ तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा, ठीक है। जहां से, जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि किडनी, स्किन, स्किन से हमारा स्वेट निकलता है, लीवर, ये इन सब चीजों में पहुंचा देता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, ताकि ये एक्सक्रीट कर पाए, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा, इसको वेस्ट प्रोडक्ट्स को कन्वे कर देगा टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो इसका दूसरा काम हो गया एक्सक्रीटरी फंक्शन। नेक्स्ट वर्क है, नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस हार्मोन्स टू देयर टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू। अब आपको ये पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स भी दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कि डक्ट्स के थ्रू अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। एंडोक्राइन जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी इसमें कोई डक्ट्स नहीं होती है, तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स को सिक्रेट कर देगी। तो ये जो ब्लड के अंदर इन्होंने हार्मोन्स को सिक्रेट किए, तो ब्लड का काम क्या होता है कि इन हार्मोन्स को टारगेटेड टिश्यू तक पहुंचाए, टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाए, कि जहां पे इनकी जरूरत है, ठीक है। इसके साथ के साथ, हार्मोन्स के साथ साथ ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट को भी, ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम्स को भी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, थर्ड फंक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज डन बाय द ब्लड, ठीक है। ब्लड के द्वारा ही रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट भी होता है। ये क्या करेगा, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई ऑफ लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई। जैसे कि एल्वोलाई हो गई और ये टिश्यू हो गए, तो ये ऑक्सीजन तो लेके जाएगा एल्वोलाई टू टिश्यू और टिश्यू से ला के देगा वापस से CO2।
ठीक है, तो ये जो होता है रेस्पिरेटरी गैस का भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट है ब्लड का। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि अब ये इसकी जो होती है हाई स्पेसिफिक हीट होती है ब्लड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने का जो काम होता है वो ब्लड का होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है कौन, ब्लड, ठीक है, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा आता है डिफेंसिव फंक्शन, ब्लड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफेंस में बहुत काम आता है ये, कि जो इसमें और जो मेनली जो होती है इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल WBC प्रेजेंट होती है, वो इस फंक्शन के लिए बहुत होती है कि कोई भी कीटाणु रोगाणु आएगा तो उससे बॉडी को बचाने का काम जो है वो ब्लड करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड। इसके अलावा हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, ठीक है। आपका थ्योरी एग्जाम हो तो आपको ऐसा कैसा अगर आप चार्ट बना के आ जाएंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स इन इट। एंड इसके अलावा ये जो चार्ट है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप अगर इसको याद करेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आता है, इसको हम प्रॉपर अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे। ब्लड का कंपोजिशन होगा दो चीजें होती है, ब्लड सेल प्लाज्मा। ब्लड सेल जो होता है 45% कंपोजिशन होता है ब्लड का, और प्लाज्मा होता है 55%, ठीक है। दो चीजें हो गई, ब्लड सेल प्लाज्मा। ब्लड सेल में तीन टाइप की सेल्स होती हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को कहते हैं RBC, ल्यूकोसाइट को कहते हैं WBC, थ्रोम्बोसाइट को कहते हैं प्लेटलेट, ठीक है। RBC यानी रेड ब्लड सेल, ये कितनी होती है, 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 5 मिलियन RBCs प्रेजेंट होती है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल कितनी होती है, 4000 से 11 होती है माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर में, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट जो होती है 1.5 to 4 lakhs होती है पर माइक्रोलीटर में, ठीक है। तो ये तो हो गई ब्लड सेल्स, ठीक है, ये इतनी, अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी हम सिर्फ कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इसमें क्या क्या होता है। इसके अलावा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा दो चीजों से बना होता है, वाटर एंड सॉलिड। तो प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर होता है और सॉलिड सिर्फ और सिर्फ 9% होता है, कितना, 9%, ठीक है। इस 9% में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो हमें याद रखनी है। इस सॉलिड 9% में से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दो भागों में बांटा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 1% होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो होंगे 8%। इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक जो सिर्फ 1% होंगे उनके अंदर आते हैं आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट। सॉलिड जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और एक्सेट्रा। ये सब चीजें होती है आयन, सॉलिड, गैसेज, ये सारी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आएगी जो कि 1% में प्रेजेंट होती है। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो किसमें, वो दो टाइप में आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो 7% आते हैं, 7% बनाते हैं और अदर सब्सटेंस सब मिलाकर के 1% होते हैं। तो इस 1% में क्या क्या आएगा, शुगर, फैट, एंजाइम, हॉर्मोन्स, NPV सब्सटेंसेस। NPV सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, यानी ऐसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो कि नॉन प्रोटीन होते हैं यानी प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन बनाता है 0.2-0.3%, एल्बुमिन बनाता है ऑलमोस्ट 4%, ग्लोबुलिन 2-2.5% एंड फिब्रिनोजन 0.4%, ठीक है। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे रेडिएशन टेक्नोलॉजी नाम का जो मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे उस पर DM करके मुझसे पूछ सकते हैं, या और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जल्दी इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बनी रहिए। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा इन ब्लड सेल्स पे होगा, इरिथ्रोसाइट, WBC, RBC, प्लेटलेट्स के। इसमें हम क्या करेंगे, आपसे जो RBC है जैसे हमने उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी, साथ के साथ ही उसी डिजीज के बारे में पढ़ लेंगे तो वो मेमोरेबल रहेगा, ठीक है। तो साथ के साथ हम पैथोलॉजी भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।